धनबाद के व्यापारी दीपक सावरिया ने गोविंदपुर इंस्पेक्टर पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। वहीं व्यापारी के अधिवक्ता ने भी पुलिस की ओर से दीपक सावरिया के ऊपर लगाए गए धारा पर सवाल उठाया है। दीपक सावरिया का कहना है कि उनका अपने भाई से संपत्ति का विवाद हुआ था। इस विवाद के बाद पुलिस ने थाना बुलाकर कागजात की जांच की, लेकिन पुलिस ने भाई का साथ देते हुए उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया। इस संबंध में गोविंदपुर थाना में उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। फैमिली जमीन है हमारा, कोई किसी के नाम से, कोई किसी नाम से, किसी नाम से बंटवारा भी नहीं हुआ है, बंटवारा कुछ नहीं हुआ। फैक्ट्री उसमें कृष्णा ग्रुप में मेरे भाई भी डायरेक्टर, मैं भी डायरेक्टर, और उसमें एफएसए भी किया हुआ मेरा कोयला बोर्ड से, और उसमें एफएसए कोयला आता है और प्लांट चालू है, सब कुछ है, लेबर काम कर रहा है, उसके बावजूद भी उस प्लांट को उन्होंने बंद करवा दिया। एफआईआर हो गया पहले उसका बात कीजिए आप, आपको उसमें 5 लाख रुपये देना पड़ेगा, नहीं तो आपको हम लोग अरेस्ट कर देंगे। हम लोग ऐसा बात है तो आप जाइए कोर्ट आराम से और मेरे नाम से वारंट लीजिए और मेरे को अरेस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके लिए। ये फैमिली मैटर है, इसमें आप इसको घुमा फिरा के रंग नहीं दे सकते। 84 एक्सट्रॉशन का है, दोनों में से किसी का भी एक भी उसमें अंश नहीं है जिसमें यह धारा लग सकती थी। तो फिर भी अगर पुलिस ने यह धारा लगाकर इनके ऊपर केस किया है, और चूंकि उनको न्यायालय पर विश्वास था और हम लोगों ने इनका बेल कराया, लेकिन पुलिस ने तो यह धारा गलत लगाई है, जबकि उसमें एफआईआर में जो इन्फॉर्मेंट है उसने कहीं जिक्र ही नहीं किया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।